नमस्ते स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक चैनल पे माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह एंड टुडे विल बी टेकिंग द इंटरनेशनल रिलेशन ओके टॉपिक दैट इज द आईएमएफ सो यू आर अवेयर दैट वी आर कैरिंग आउट विद दिस इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज सो टूडेटिंग द आई एम मुझे आपको ये जो है पहले ही पढ़ाना था but because of the some reasons this could not be taken up earlier so today we'll be taking it up and i hope that you know the importance of imf guys imf has recently helped many neighboring countries okay of india like pakistan sri lanka or imf for india is relation hai, imf related have been asked in the examination like if i remember in 2021 only the reserve tranche or the gold tranche तो गोल्ड ट्रांच जो ये वर्ड है आपके प्रम्स के पेपर में थान देर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू ओके नीड टू नो लाइक वॉट इज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वॉट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है बट वी विल बी स्टडिंग दिस ऑल्सो एंड वॉट हैव बीन द अप्रोचेस ऑफ आई एम एफ टूवर्ड्स इंडिया एंड ट्स द वर्ल्ड क्या काम है आई एम एफ का सब कुछ आज पढ़ेंगे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए शो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू शो आइज आई होप यू आरिंग अ Okay, good time, and your preparation is also going on a, you know, on a progressive track. So, today mm -hmm. last day for you subscription. Lenega. subscriptions subscription. You can academy, always open hai an academy ki services, and academy educators, and academy ka planning, okay, which has given you the fabulous result across the years. So, you can, okay, take the subscription today also in the 50% discount, because today is the last day actually for this subscription. You can use my code, SEDUPHC.

इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आई इनको जो है okay. यूएसए ये ये okay, के एक शहर में वहां पर इन दोनों संस्थाओं को जिनको आप अच्छे से जानते हो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनका जन्म होता है एंड गेज यू नो वर्ल्ड बैंक आई एम दे बोथ आर स्पेशल्सो सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विशन दे आर स्पेशलाइज एजेंसी ये बिल्कुल नहीं भूलना है कन्फ्यूज नहीं होना है बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको जो है स्पेशलाइज uh, एजेंसी का टैग जो है नहीं देना है जो है बस वही है बट हेयर वर्ल्ड बैंक एंड आई एम एफ बोथ आर द स्पेशन फोर्टी फोर नेशन मेट इन द्रिटन वुड एंड दे करिएटेड दीज टू थिंग्स विच आई थिंक यू नो जो भी एक अवेयर इंसान है दुनिया में वो इनका नाम जानता ही है

डब्ल्यू तो नहीं डब्ल्यू कहना तो सही नहीं होगा बट डब्ल्यू का जो प्रकर्सर होता है जी ए टी ठीक है गैट्स एग्रीमेंट है वो भी ब्रिटेन में जो है आईसी कॉन्फ्रेंस का जो है नतीजा होता है ओके बट मेन लाइमलाइट जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिला सो so, दो दो आर द ब्रिटेन ट्विन वाई बिकॉज दे वर ओके दे वर यू नो बोर्न इन दिस कॉन्फ्रेंस ओके

संस्थान जो कि आज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो फ्रॉम योर ओके आई आर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड आई होप आप सब अग्री भी करेंगे इस बात पे सो आई एम एफ बैंक की शुरुआत होती है ब्रिटेनवुड से दे आर ऑल्सो नोन एज द ब्रिटेनवुड ट्विंस ईम एफ मीटिंग हैपनिंग इंटरनेशनल right. so Monetary फंड ठीक है जिसका DC में ही है। उसी तरह से जैसे कि वर्ल्ड बैंक का जो आपके headquarters है वो भी Washington में ही है ठीक है इसका जो है headquarters, वो भी Washington में ही है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश है सो ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज इट हैज ओनली वन ना इससे ज्यादा ना से कम ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड वन नाइनटी कंट्रीज ने मिलकर जो है अभी इसके मेम्बर्स हैं आई एम एफ के ऑल राइट सो दिस इज ओके देडक्वार्टर इन द वॉशिंगटन सो दू नो पर्पज ऑफ द आई एम एफ इज टू यू नो फॉस्टर द ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑपरेशन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड ओके इंटीग्रेशन ओके ट्रेड वगैरह से पे जो है दुनिया पे यू you नो know, दुनिया के ट्रेड वगैरह को जो है फैसिलिटेट करना

शी वॉज द चीफ इकोनॉमिस्ट एट आई एम एफ अभी जो प्रेजेंटली जो है फर्स्ट डेप्यूटी एमडी है मतलब एक यूरोपियन होता है ठीक है और वो अभी भी एक यूरोपियन है एंड ओके पोस्ट विच यू कैन रीच इन द आई एम एफ तो आई एम एफ में सेकेंड हाइएस्ट पोस्ट क्या है दैट इज द डेप्यूटी एमडी सो डेप्यूटी एमडी जो है गाइज अभी हमारी ओके गीता गोपीनाथ हैं यू हैव वर्ल्ड के इंडियन जो है you know, दुनिया की टॉप अप जो एजेंसीज हैं कंपनीज हैं उन पे जो है हेड हैं और गाइज ओके वी शुड बी प्राउड दैट शी इज द डेप्यूटी एमडी अब एमडी तो बन नहीं सकती क्योंकि एमडी तो सिर्फ यूरोपियन ही बनता है तो गाइज एक कल्चर रहा है बेसिकली दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द यू नो हैजी और द डोमिनेंस ऑफ द यू एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड के भाई जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा एक अमेरिकन होता है ठीक है उसके लिए आप कितने भी ओके okay, मेरिटोरियस हो कितने भी आप जो है होशियार हो या कितने भी आप डिजर्विंग हो बट आप कभी भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे क्योंकि ये कल्चर रहा है कि वो लोग हमेशा यूएस के कोई सिटीजन को ही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाते हैं और आई को हेड करता है हमेशा कोई सम्बडी फ्रॉम द यूरोप यूरोप ठीक है तो अभी जो हेड है वो शायद बुल्गारिया कंट्री से है एंड सेकेंड इन कमांड इज ओके गीता गोपीनाथ

सो so, ये भी पूछा जा सकता है गाइज के अभी गीता गोपीनाथ आईएमएफ में क्या है सो शी इज ओके नॉट द चीफ इकोनॉमिस्ट राइट नाउ अर्लियर शी वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट वो भी एक बड़ी बात थी तब भी मैं बताता था जब आई पढ़ाता था मैं अब वो यू you नो know, उनका प्रमोशन हो गया शी इज द फर्स्ट डेप्यूटी इंडी तो यू शुड नो दिस थिंग आगे बढ़ते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ओके गुड इवनिंग सृष्टि जयंत देशमुख ओके सो गाइज आई का मोटे मोटे तौर पर मैं अगर आपको सीधा कहूं तो भाई आई एम एक कंट्री को बचाता है बेसिकली जब एक कंट्री बी क्राइसिस में चला जाता है मतलब जब किसी कंट्री के पास इतना विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार नहीं रहता इतनी फॉरेन करेंसी नहीं रहती ओके दैट इट कैन इवन पे फॉर द बेसिक थिंग्स विच द कंट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक फूड प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल लाइक ऑयल ओके अदर थिंग्स ओके सो दिस इज द

मदद करने तो ये बेसिकली गई बीओपी क्राइसिस में किसी कंट्री को बचाता है जाकर उसको पैसा देता है ताकि वो बीओपी क्राइसिस से जो है उभर सके इसके अलावा गई ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है चलती रहे हर देश की इकोनॉमी जो है ठीक तरीके से चले ओके उस पर भी वॉच रखता है बट अब आप सॉवरिन कंट्री सारे के सारे आप जानते हो अब आप किसी को ये नहीं कह सकते जाकर के भाई तुम्हारी इकोनॉमी सही नहीं है चाइना तुम अपनी इकोनॉमी को जो है सही करो तुम अपनी इकोनॉमी को जो है एक्स वाई जेड तरीके से चलाओ तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते ठीक है भले ही आप कितने बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो हर कंट्री है है ठीक तो उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता है तो क्या करता है 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 मौका मौका देखता देख के चौका मारता है। जब कोई कंट्री बीओ क्राइसिस किसी कंट्री में होता है या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है तो ये कंट्री की हेल्प करता है जाकर ये कंट्री को देता है पैसा लेकिन उस पर कुछ शर्तें लगा देता है ये ठीक है ऐसे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये गलत है वो गलत है जब कंट्री किसी मुसीबत में फंसता है दैट इज बेसिकली द द द बीओपी क्राइसिस देन गोस एट मनी बट ऑन द कंडीशन तब ये उस कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको कैपिटलिस्ट टोन देता है थोड़ा बहुत एंड इट सेस आप ऐसा करो वैसा करो इस शर्त पे हम आपकी पैसे इस शर्त पे जो है हमको पैसे मिलेंगे तो हमारे भी वो जो जब संकट आया था 1991 में तो आईएमएफ हमको पहले से बोल रहा था कि आपका जो करेंसी रेट है वो बहुत ज्यादा आपने कर रखा है रुपए का जो दाम है आपने बहुत ज्यादा कर रखा है इतना आपको रुपए का इतना वैल्यू एक्चुअल में है नहीं आप इसको एक काम करो कम कर दो या आप इसको मार्केट के बेस पे छोड़ दो जैसे कि आज मार्केट के बेस्ड पे है तो नाइनटीन में हमारे से भी कई सारे रिफॉर्म्स करवा दिए अच्छे भी रहे वो ठीक है देश में उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ इन्वेस्टमेंट आया सो ये कई आई का जो है मेन काम होता है समझ गए आप वैसे ये पैसा उधार नहीं देता किसी डेवलपमेंट काम के लिए वो वर्ल्ड बैंक करता है ओके सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ रोड बेसिकली इफ यू वांट टू बिल्ड अ ब्रिज इफ यू 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 वांट 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 टू 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 ओके मेक 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 अ कनाल इफ इफ सम सम स्कूल्स हॉस्पिटल्स देन वर्ल्ड बैंक कैन हेल्प यू देयर वर्ल्ड बैंक कैन लेंड यू मनी बट आई एम एफ ओनली लेंड यू मनी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इसके अलावा इट फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन ठीक है जेनरिक टर्म है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं सस्टेनेबल ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल है एंड मेन थिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डिफिकल्टीज होती हैं, तब आई एम एफ विल कम एंड इट विल हेल्प यू इट विल प्रिवेंट एंड असिस्ट विद द रिकवरी फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस सो द क्राइसिस इन द आई एम एफ विट बेस्ट टू ओके सॉल्व द क्राइसिस ओके सो दैट इज बेसिकली रोल ऑफ द आई एम एफ I hope you got it. कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में अपना जो है आप डालिए। doubt. So IMF responsibilities and working. So let's talk a bit more about the IMF responsibilities and working. so the core responsibility of the MF, as I told you, is to provide loans. Now guys, these are not regular loans. Okay, these are not regular loans which anybody can get any time. कि भाई थोड़ा पैसे की जरूरत है दे दो, ऐसा नहीं होता. When you your balance of payment, जब आपका basically export कम हो रहा है, okay, import ज़्यादा हो रहा है, currency dollar, pound, yen देश में आ कम रहे, जा ज़्यादा रहे. इवेंचुअली यू विल्ड इन टू अशन बीओपी क्राइसिस बहुत पढ़ी है फाइनेंशियल इंटरनेशनल रिजर्व आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तो आप दोबारा जो है उसको बड़ा कर सकते हो अपनी करेंसी जो गिर रही थी उसको भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा थोड़े समय के लिए ट्रस्ट आ जाएगा इम्पोर्टर्स का ओके सॉरी इन्वेस्टर्स का दे विल इन्वेस्ट इन योर कंट्री ओके you know pay up for your imports of basic things at least like oil and gas and food so it will okay help your economy to grow all right so this is the thing so unlike developmental banks which i already told you imf does not lend for specific project it will not lend you for any development or any kind of specific project it will only lend you in the specific conditions all right now let's get let's come to the quota system take तो कोटा सिस्टम यही मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के जब क्लास लिया होगा तभी भी आई वुड हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द कोटा सिस्टम द सेम कोटा सिस्टम इज एप्लीकेबल इन दिस दिसमएफ एंड योर कोटा ओनली डिटरमाइंस योर वोटिंग राइट्स ठीक है कितनी आपका बेसिकली कितनी कहते हैं ना वट है आपका कितना आपका जो है औदा है आई में और इन द वर्ल्ड बैंक दैट इज बोथ डिटरमाइंड बाय हाउ मच कोटा यू ओन तो ये आपको कोटा सिस्टम आपको समझाता हूं आई में जो चलता है ऑल right. आपका इसी कोटा सिस्टम का एक एक्सटेंशन है एक पार्ट है गोल्ड ट्रेंच ये आपके प्रीलिम्स 2020 या 21 शायद 20 में पूछा गया था सो उसमें तो बहुत इजी था कि गोल्ड ट्रेंच किस से संबंधित है ये नहीं पूछा गोल्ड ट्रेंच क्या होता है सिर्फ ये पूछा यूपीएससी ने कि गोल्ड ट्रेंच किससे से रिलेटेड है आई से रिलेटेड है आर से रिलेटेड है और भी दो फालतू ऑप्शन थे दो ही कंटेंडर थे मेरे हिसाब से आई और आर so आई एम एफ वॉज द करेक्ट आंसर तो आपको ये तो पता चल गया कि आई एम एफ से संबंधित है गोल्ड ट्रांच बट होता क्या है गोल्ड ट्रांच ये भी मैं आपको जो है बताऊंगा उससे पहले लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कोटा सिस्टम ठीक है यहाँ पे कोटा सिस्टम में गई जो है आपके एस डी आर के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं जिसमें चाइनीज करेंसी को भी जो है जगह जगह मिल गई थी दो हजार पंद्रह में या सोलह में और ये भी प्रॉब्लम्स में पूछा जा चुका है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट स्टार्ट अबाउट द कोटा सिस्टम

कई पैमानों पे कई पैरामीटर्स पे डिटरमाइन किया जाता है कि इसका कितना वैल्यू होगा उतना वैल्यू उस कंट्री को जो है पे करना पड़ता है दैट नेशन पे देन यू आर अ मेंबर ऑफ द आईएमएफ एंड देन और कोटा आप कितना आपका कितना था वो डिटरमाइन करेगा कि कितना आपको जो है आई में आपका दबदबा रहने वाला है दबदबा रहने वाले रहने से मतलब बेसिकली वोटिंग पावर वोटिंग पावर आपका कितना रहेगा किस कंट्री को मदद करनी नहीं करनी उस पर आपका वोट कितना भारी है वो डिपेंड करेगा ठीक है कोटा पे जैसे कि पे वो सत्रह परसेंट है ठीक है और यूएसए और उसके दोस्तों का हम कोटा पावर देखें अगर सत्रह परसेंट परसेंट जापान भी उसका दोस्त है जर्मनी भी दोस्त है फ्रांस भी दोस्त है यूके भी दोस्त है इटली भी दोस्त है ओके तो ये सारे के सारे टॉप कंट्रीज इन्हीं के पास ज्यादा वोटिंग अगर ये सब अपना वोट मिला लें तो बहुत यू you नो know, वोटिंग पावर बढ़ गया इनका हालांकि ये कुछ 10-15 कंट्री हैं लेकिन ये गाइस 10-15 कंट्री इन्फ्लुएंस करेंगे द डिसीजन मेकिंग ऑफ द आईएमएफ बिकॉज दे हैव द वोटिंग पावर ऑब्वियसली दे विल ऑल वोट फॉर द सिमिलर कॉज इफ यस और नो है सो दे विल एक्चुअली डिसाइड कि किस कंट्री की मदद की जाए किस कंट्री की मदद ना की जाए ये कंट्री वोटिंग करते समय ये भी देखते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट कंट्री को बनाया जाए और कई सारे जो है किस्से हैं सो दिस इज द इशू ओके सो दिस इज द इशू ओके सो इशूगैलिटेरियन नहीं है यहाँ पर बराबरी के हिसाब से नहीं है वन कंट्री वन वोट सिस्टम नहीं है कोटा सिस्टम है ओके सो जितना आप कोटा है आपका आपका उतना वोटिंग शेयर है सो अ मेंबर आई एम एफ इट्स वोटिंग पावर एंड हैज अ बेयरिंग ऑन इट्स एक्सेस टू द आई एम एफ फाइनेसिंग सोइर कोटा विल डिसाइड कि आपका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा

SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑलराइट डी गाइस एक आईएमएफ की कोशिश थी ओके 1969 सोचा जो ट्रेड होता है व्यापार होता है आप इसको बट एक यू एक, नो you know, नया एक करेंसी टाइप हम बनाएंगे एस डी आर दैट एस डी आर और एस डी आर के अंदर जो है दुनिया का ट्रेड होगा लेकिन ये जो है एस डी आर का फॉर्मूला फेल हो जाता है एंड वी नो टूडे द मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इट इज डन इन द दू एस डी दैन दूस डॉलर सो उस समय से इंटरनेशनल रिजर्व में जरूर काउंट होता है जो मुद्रा भंडार है आपका जिसमें सोना भी आता है डॉलर भी आता है हार्ड करेंसी सारी आती है उसमें आपका एस डी आर भी आता है तो एस डी करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि एस डी आर गाइज कोई करेंसी नहीं है वैसे इट्स जस्ट अ क्लेम ऑन द आई एम एफ क्या आपके पास इतने एस डी आर है तो उसकी जो भी कीमत है वो आप ले सकते हो ठीक है एसडीआर को आप अपने करेंसी रिजर्व में रख सकते हो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार है जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं उसमें आप SDR को रख सकते हो ठीक है करेंसी पर प्लीज उसको मत बोलिएगा कि करेंसी है ये कोई ठीक है ये एक तरीके से यू नो स्पेशल ड्राइंग राइट है आपके विच यू कैन क्लेम ऑन द आई इसके बदले का जो भी जो की वैल्यू होता है उतना आप जो है इसको जो है डिमोनेटाइज करा सकते हो ऑल राइट सो द एस डी आर सो इज द हाउ मच कोटा विल डिपेंड कि आपके पास कितने so, आपका कोटा डिटरमाइन होता है right. so, quotas, okay. so, का क्या क्या रोल है, के एक तो इस रिसोर्स है। आप कोटा के तहत जो है पैसे दे रहे हो एसडीआर खरीद रहे हो तो पैसा किसके पास जा रहा है वो आई के पास जा रहा है तो आई एम एफ का जो है रिसोर्स आई एम के को भी तो पैसा चाहिए ना आई के पास कोई बारिश थोड़ी होती है पैसे की पेड़ थोड़ी लगा हुआ पैसे का तो कोटा के अंदर जो पैसे लोग जमा कराते हैं जो सॉरी जो कंट्रीज पैसे जमा कराते हैं अंडर द एस डी आर सो दैट बिकम्स अ रिसोर्स फॉर द आई एम एफ दफ कैन फर्दर यूज टू लेंड ओके टू द यू नो कंट्रीज विच आर इन ट्रबल सो इट बिल्ड्स अप द रिसोर्स आई एम एफ इट ऑल्सो डिटरमाइंस योर वोटिंग पावर द मोर कोटा यू हैव द मोर एस डी आर यू हैव यूर वोटिंग पावर इज ऑल्सो मोर ओके द मोर कोटा यू हैव मोर एक्सेस टू फाइनेंसिंग यू हैव जितना ज्यादा आपके पास कोटा है जितना ज्यादा एस है उतनी ज्यादा आप मदद भी ले सकते हो कभी मुसीबत के समय पर आई से ओके एंड द मोर कोटा यू हैव द मोर एस डी आर यू हैव तो ये कोटा के यू नो डायरेक्टली इम्प्लीकेशन है रिसोर्स का सोर्स है आईएमएफ के लिए वोटिंग पावर इस तय होता है ओके okay, आपको फाइनेंस भी इसी के बेसिस पे मिलेगा एसडीआर भी डायरेक्टली कोटा से ही लिंक्ड है समझ गए कोई नहीं समझे हो तो दिखा बता दीजिए तो अभी बच्चों कोटा जो है इतने एस इस कंट्री के पास है तो हाईएस्ट यू सी ओके दैट इज द यूएसए ओके एके देन सेकेंड पे होता है जापान ओके देन चाइना इज ऑन थर्ड इंडिया कहाँ पे इंडिया जो है अभी ओके थर्ड सिक्स सेवन एट्थ नंबर पे है टू पॉइंट सेवन जो है कोटा आई का इंडिया के पास है कोटा कैसे होता है गई एस आपके पास कितने एस डी आर कैसे तय होते हैं एस डी आर गाइस बेसिकली अब हम एस डी आर की तरफ बढ़ रहे हैं एस डी आर गाइस बेसिकली ये जो करेंसीज आपको दिख रही हैं ना इसमें एक कम ना इसमें एक ज्यादा ऑल दीज करेंसीज का वेट लिया जाता है फोर्टी वन परसेंट थर्टी परसेंट यूरोपियन का है टेन परसेंट चाइना की जो करेंसी है यू उसका है इतना वेटेज ले लेके एक वैल्यू निकलती है वो जो वैल्यू होती है वो एक एस डी आर बन जाता है ठीक है मतलब एक रुपया जैसे कितना है अभी का आ रहा है एक डॉलर सो वन डॉलर कॉस्टिंग ओके यू हैव टू परचेज वन डॉलर यू हैव टू स्पेंड 80 रूपीज सो इफ यू हैव टू परचेज वन एस डी आर तो वन एस डी आर कितना होगा तो गाइस इन सब का जो एवरेज प्राइस आएगा यूएसडी का यूरोपियन यूनियन का ओके okay, आपके यूरो का जो है दैट इज यूरो जो यूरोपियन यूनियन करेंसी है चाइनीज यून येन ब्रिटिश पाउंड इनका जो एवरेज है वो एक एसडीआर के बराबर है और उतने मूल्य हो जाता है एक एसडीआर का सो ऐसे जो है एसडीआर का जो है जो कीमत निकाली जाती है वेट भी यहाँ पे देखा जाता है ऐसा नहीं कि सबको बराबर है वन फिफ्थ वन फिफ्थ कर दिया फोर्टी वेट इस पर जो है यूएसडी का रहेगा थर्टी वेट जो है आपके यूरो का रहेगा ठीक है सो so, पांच करेंसीज है गई बेसिकली और इसमें लेटेस्ट एडिशन जो है वो आपके चाइनीज करेंसी है ठीक है युआन का इसका हुआ था 2016 के अंदर और उसी साल यूपीएससी ने पूछ लिया था प्रॉब्लम्स एग्जाम में कि इज द लेटेस्ट करेंसी हैज बीन एडेड ओके प्रग्जाम एस डी आर सो दैट वॉज द आंसर वॉज द चाइनीज करेंसी समझ में यहां तक कोई दिक्कत है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्लास का हम खत्म कर चुके हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आस्क कर ठीक है यस आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ, डोंट वरी। ठीक है वी कैन बी बेटर इफ वी कैन इंक्रीज आर कोटा साइज बट कोटा ऐसे मिलता नहीं क्योंकि कोटा विल ओके एवेंचुअली हैज टू कम अप फ्रॉम अदर ओके अदर्स शेयर किसी दूसरे के शेयर में आना से जो है हमारा बढ़ सकता है बट कोई दूसरा कंट्री अपना साइज क्यों ही कम करना चाहेगा सो दैट इज द इशू सो ओनली द यू नो हमारा स्टैचर तभी बढ़ सकता है एम में जब दूसरे कंट्रीज पर्टिकुलरली बड़े कंट्रीज अब से यूएसए के अकेले नहीं सत्रह परसेंट ले रखा है तो यूएसए कुछ छोड़ेगा यूएसए का चलो मैं दस कर लेता हूँ अपना बारह कर लेता हूँ तो जो बाकी जो मिलेगा वो इंडिया जो है परचेज कर सकता है या पर्टिकुलरली इंडिया तो चलो फिर भी टॉप में तो है अदर कंट्रीज लाइक द अफ्रीकन कंट्रीज ओके द साउथ अमेरिकन कंट्रीज दे कैन परचेज दैट थिंग ओके सो द बिगर कंट्रीज दे हैव टू शो अ जेनरस हार्ट देन वी कैन इनक्रीज आर कोटा साइज एट द आई एम एफ ओके कोटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कितना एस डी आर आपको देना पड़ता है अगर आप सीधे सीधे खेली से के जो है सब्सक्रिप्शन की फीस क्या है तो अकेडमी की कई सब्सक्रिप्शन की फीस जैसे यू नो जो भी है और आज लास्ट डे भी है सब्सक्रिप्शन का तो आप जो है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल फीस है का लेना आसान नहीं है तो आई एम एफ का सब्सक्रिप्शन कितना कॉस्ट करता है किसी कंट्री को ठीक है तो ये डिपेंड करता है इन सारी चीजों के ऊपर ठीक है पचास परसेंट वेट जो है दिया जाता है किसी कंट्री की जी डी पी को ठीक तो है तो ज्यादा जी डी पी है तो ऑब्वियसली बड़ी इकोनॉमी है तो ज्यादा उसको कोटा जो है बनता है यहां पर तो फिफ्टी परसेंट जो आपका वेट होगा ओके okay. फिफ्टी परसेंट जो है डिपेंड करेगा कि कंट्री का जीडीपी कितना है ठीक है 30 परसेंट डिपेंड करेगा कि कंट्री ओपन कितना है ठीक है ओपन मतलब ओपन टूवर्ड्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ओपन फॉर द ट्रेड ओपन फॉर द इन्वेस्टमेंट ओपन फॉर द अदर एम टू कम एंड एंटर इन दैट कंट्री मार्केट कितना ओपन है गवर्नमेंट का जो है रिस्ट्रिक्शंस मिनिमम है या नहीं है ठीक है तो गई कोई कंट्री ज्यादा ओपन होगा ठीक है तो यू you नो know, उसका कोटा का साइज बढ़ सकता है ठीक है अगर इकोनॉमी बढ़ेगी ठीक है तो जीडीपी बढ़ेगा तो उसका कोटा का साइज बढ़ सकता है ठीक है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी जो है पर कितनी है पर ठीक है इंटरनेशनल रिजर्व कितने हैं उसके पास पांच परसेंट इस पर भी डिपेंड करेगा कि अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा भंडार है उसमें कितना पैसा है तो अगर आपको फॉरेक्स बढ़ेगा ऑटोमेटिकली तो आप ज्यादा कोटा खरीद सकते हो ओके तो जीडीपी जो है इस कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली यहाँ पर दोनों चीजों से आपको पता है एक नॉमिनल जीडीपी होता है जिसमें इंडिया ऑलरेडी जो है सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है एक जो है जीडीपी आपका पीपीपी पे कैलकुलेट किया जाता है दैट इज द ओके परचेजिंग पावर पैरिटी जिसपे इंडिया जो है ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो फिफ्टी फिफ्टी वेट जो है आपका नॉमिनल जीडीपी पे रहता है और फोर्टी परसेंट वेट जो है पीपीपी पे रहता है ठीक है तो इससे डिसाइड होता है ये वेट वेट ठीक है सो दैट इज द थिंग पचास सत्तर अस्सी ओके नाइनटी फाइव एंड हंड्रेड तो इससे जो है कोटा डिटरमाइन होता है और फिर जो है उसका उसी हिसाब से आगे की चीजें चलती है सो दिस इज द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू एक्सप्लेन यू सो आई एम एफ सब्सक्रिप्शन कितना कॉस्ट करता है ना यू नो हाउ मच द कोटा यू कैन गेट वोटिंग शेयर उस पर डिस्ट डिसाइड होते हैं एस डी आरस के बारे में बात कर ली है स्पेशल ड्राॅइंग राइट्स के बारे में ऑल राइट right.

तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो इस एक ही स्लाइड में आपको तीनों ही टर्म्स जो है अभी आप दो मिनट में जो है फैमिलियर हो जाओगे ओके बट एनी प्रॉब्लम गाई स्टिल हेयर प्लीज आस्क मी एनी प्रॉब्लम हेयर प्लीज आस्क राइट नाउ गाइज आई एम एफ मैंने आपको आई एम एफ का सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया जो कि डिपेंड करता है बेसिकली होता है कोटा बेसिकली मतलब पैसा आपको कितना देना है सीधी सीधी बात अगर हम करें तो हाउ मच मनी यू हैव टू पे टू द आई एम एफ टू गेट द सब्सक्रिप्शन और टू गेट द कोटा वट एवर योर यू नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड ठीक है अब गाइज कोई भी कंट्री जाएगा कि यार कोई मान लो इतने यू नो अमाउंट उसको जो है you know, इतना अमाउंट उसको आई एम एफ को देना है ओके okay, और उसको जो है मेंबरशिप मिल जाएगी उसका जो है कोटा वो उसको जो मिल जाएगा वॉट परसेंटेज शेयर उसका है ऑब्वियसली कोई भी कंट्री यहां पे गई अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसी में पैसे देना चाहेगा ठीक है इंडिया जो है रुपये को देना चाहेगा ऑल राइट right. चाइना जो है उसमें अपना जो है ठीक है यूआन को देना चाहेगा ओके और उससे जो है आपके खरीद लेगा वो जो भी फॉर्मेलिटी जो भी प्राइस जो है पे कर देगा जो भी है ठीक है आईएमएफ कहता है नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हो हंड्रेड परसेंट पेमेंट जो भी आपका कोटा बंद निकल के आ रहा है जो भी अमाउंट निकल के आ रहा है ओके okay. जो भी आपको अमाउंट देना है मान लीजिए हंड्रेड ओके डॉलर आपको देने हैं तो कहीं इंडिया क्या करेगा कन्वर्ट करा लेगा रुपया दे देगा हंड्रेड डॉलर के बराबर हंड्रेड इंटू एट्टी कर लीजिए आप इतना दे देगा रुपया और कहेगा ठीक है भाई लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चलता आई एम एफ आई एम एफ कहता है कि पच्चीस परसेंट जो भी आपका कोटा है टोटल आपको जो भी सब्सक्रिप्शन चाहिए उसका एटलीस्ट पच्चीस परसेंट हमको चाहिए भैया गोल्ड में या किसी फॉरेन करेंसी में बेसिकली हार्ड करेंसी के अंदर ठीक है आप हंड्रेड परसेंट जो प्राइस है जो कीमत है वो अपनी करेंसी में नहीं दे सकते हो पच्चीस परसेंट तो आपको दूसरे देश की करेंसी जो हार्ड करेंसी है उसमें देना पड़ेगा अमाउंट या गोल्ड गोल्ड आपको बताइए ओके हजारों सालों से लेके अब तक जो है सबसे बेस्ट चीज है कमोडिटी टू एक्सचेंज ओके मीडियम ऑफ मनी ओनली सो आई एम एफ वही कहता है कि यह पच्चीस परसेंट आपका हम गोल्ड में लेंगे सो so, इससे कहते हैं गोल्ड ट्रांच समझ गए या रिजर्व ट्रांच समझ गए ये होता है आपके ठीक है द गोल्ड ट्रांच आई एम एफ का सोटी फाइव परसेंट अमाउंट इन द गोल्ड और इन द फॉर करेंसी द रिमेनिंग सेवेंटी फाइव परसेंट यू कैन पे इन योर डोमेस्टिक करेंसी एंड दैट इज फॉल्ड द क्रेडिट ट्रांच समझ गए सो दिस इज इट

ठीक है दो क्वेश्चन एज इट हो गए थे 2016 में इसके अलावा पिछले 12-13 सालों के पेपर मेरे दिमाग में छपे हुए okay, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए लेकिन, जरूर रिपीट हो गए हैं यानी गोल्ड ट्रांच को यूपीएससी ने पूछा कि कौन निकालता है अब ये पूछ ले कि क्या होता है टॉपिक जरूर रिपीट होते हैं तो यू नो एक कदम आगे रही है अब आप कहने का मतलब समझ गए स्टडीड अबाउट ऑल्सो द रिपोर्ट्स जो आप यू का ये भी चलन रहा है बट पिछले दो तीन सालों से यू नहीं पूछ रही है नहीं तो बीच में ट्रेंड आ गया था कि हर साल एक क्वेश्चन होता था कि ये रिपोर्ट है जेड रिपोर्ट ये कौन निकालता है सो हेयर आर दू इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अदर रिपोर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ आई एम एफ बट देर आर दीज टूट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपको पता होनी ही चाहिए दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो हर साल आई एम एफ निकालता है आई एम यहाँ पे ये यह बताता है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है वॉट इज द आउटलुक ऑन द ओके वर्ल्ड इकोनॉमी सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दैट इज द फर्स्ट थिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ओके दिस इज बेसिकली सेमी एनुअल यानी कि एक साल में दो बार इसको निकाला जाता है कि दुनिया में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है वॉट इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड सो दिस इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक outlook see these two reports are taken out by two one of the two most important reports of the imf by the imf whatever you can say samajh gaye hard currency foreign currency ya gold now guys how are you you know remembering these reports how are you uh, ऐसे आप करोगे तो आप ना आपको याद नहीं रहेगा जैसे मैंने आप दो पढ़ ली यहाँ पे चार पढ़ ली एम एफ की दो पढ़ ली वर्ल्ड बैंक की ऐसे एक अच्छा तरीका इसको याद करने का है कि कोई जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पहले तो पढ़िए हर एरी गरी रिपोर्ट जो है यूपीएससी नहीं पूछता ऑब्वियसली तो फ्लैगशिप रिपोर्ट कोई जो संस्थानों की जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स आप पढ़िए याद रखिए या फिर कोई रिपोर्ट में कोई सेंसेशनल बात कही गई है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है किसी रिपोर्ट में तो वो रिपोर्ट आपको याद होनी चाहिए तो कैसे आप कर सकते हो ठीक है तो यही आप एक इस तरह की टेबल बना सकते हो और जो है पेपर पे या चार्ट पे शो लाइक दिस यू नो यू कैन मेक अ टेबल आईएमएफ यू कैन राइट हेयर वर्ल्ड बैंक हो गया ठीक है यूनाइटेड नेशन यू हो गया ठीक है डब्ल्यूएचओ हो गया आपके और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी बहुत आती है ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया इन सबके ऐसे आप नाम लिख सकते हो और इनके नीचे जो है आप इनकी जो भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है दो चार रिपोर्ट वो लिख सकते हो और इनको ऐसे आप बार बार चार्ट को देख सकते हो ठीक है और ऐसे आप इसको याद करिए इफ़ यू यू नो स्टडी की बाई okay, एक, तो एक वहाँ से पढ़ ली यहाँ से पढ़ ली वहाँ से पढ़ ली और कुछ एग्जाम में सब खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगा सो दिस इज़ द प्रॉपर मैने टू रिमेंबर दिस थिंग सो यू कैन मेक अ रिमेंबर इन अ टेबल फॉर्म ऑल राइट सो दिस इज माई सजेशन बाकी जो आपकी मर्जी ओके गुड इवनिंग खादिजा खतून एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज आस्ट देन विल मूव फॉरवर्ड बात कर लेते हैं वैसे ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में जो है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे बट थोड़ी बहुत हम बात कर ही लेते हैं हमने बातें कर रहे हैं की तो कोटा सिस्टम जो है थोड़ा आपको अगर आप क्लास में शुरू से हो तो आपको समझ में आ आएगी हो कि यार थोड़ा कुछ जो है प्रॉब्लम है कुछ कंट्रीज ही जो है ज्यादा कोटा उनके पास है ठीक है और वो कंट्री आपस में बहुत दोस्त भी हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल पॉलिसीज कई तो मिलिट्री यूनियन में भी हैं साथ में ओके okay, जैसे कि आपका नेटो में है जापान ओके सॉरी यूएसए जर्मनी फ्रांस यूके इटली ये तो सब एक पूरे मिलिट्री अलायंस में है तो इनको आप कोटा तो अगर आप सबको जोड़ लोगे तो हो जाएगा 40-45 परसेंट तो ये बच्चों 40-45 परसेंट वोटिंग पावर तो इन्हीं कंट्रीज के पास है बाकी दुनिया के देश बाकी एक सौ देश है दुनिया में वो कहाँ गए आर यू गेटिंग इट सो आपको लग रहा है प्रॉब्लमेटिक चीज है बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो कई डेवलपिंग कंट्रीज से या लीस्ट डेवलप कंट्रीज से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से या अफ्रीकन कंट्रीज से या पिछड़े देशों से आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली तो कि आई के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए आई के अंदर कई तब्दीलियां होनी चाहिए आई को चलाते तो जो है डेमोक्रेटिक देश जो है बनते तो बहुत हैं कि हम आई को चला रहे हैं और हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं बट आईएमएफ के जो प्रिंसिपल्स हैं खुद के वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है वन कंट्री वन वोट सिस्टम नहीं है यहां पे आपके कोटा सिस्टम है ठीक है तो इसके लिए आवाज आ रही है कि कोटा सिस्टम को जो है थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए और जो कंट्रीज जो ज्यादा कोटा लेके बैठे हैं उनको अपना जो है थोड़ा शेयर जो है कम करना चाहिए और ऐसा हुआ भी ऑल राइट right, ऐसा हुआ भी ऑल सो सर दो हजार के अंदर देर वर ओके okay, बात हुई थी और उससे पहले भी जो है थोड़ा कोटा जो है शेड अवे किया गया जिसके बाद से ही गई इंडिया का जो साइज है वोटिंग शेयर जो हमारा है वो 2.7 परसेंट हो गया है सो so प्रेजेंट हमारा वोटिंग शेयर जो है आईएमएफ के अंदर दैट इज 2.7 और यू कैन से 2.77 परसेंट ये जो है आपके पहले 2.44 परसेंट हुआ करता था लेकिन जब जो है आपके ओके okay, कुछ देशों ने अपना कोटा कम करा तो इंडिया को उसका फायदा मिला लेकिन एक्चुअली यही ये कोटा का साइज जो है ये बड़े देशों ने अपना कोटा जो है बेसिकली यू नो इसमें जो है थोड़ा रिलीज किया था और फायदा जो है इसको इंडिया और मीडिया कंट्रीज है इंडिया और चाइना जैसे इन कंट्रीज ने अपना साइज जो है बढ़ा लिया मतलब जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको तो उसका कुछ फायदा पहुंचा नहीं तो उनको फायदा पहुंचाना है उनको भी जो अपना वोटिंग शेयर यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए एंड वाई नॉट वी मूव टुवर्ड्स द वन कंट्री वन वोट दैट इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑल राइट सो दिस इज द रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट जो सॉरी जो एम है जो हेड है आई का किस तरह से वो यूरोपियन ही होता है हमेशा ऐसा क्या है भाई बाकी दुनिया में क्या लोग नहीं है क्या काबिल तो वो भी एक तरह से भेदभाव है वो भी रिफॉर्म होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी हो दुनिया में ही कैन बिकम द हेड ऑफ द आई एम एफ सो दैट शुड ऑल्सो बी नो टेकन केयर ऑफ दैट शुड ऑल्सो ऑल राइट आईएमएफ एंड इंडिया अब आईएमएफ और इंडिया की बात कर लेते हैं गाइज आईएमएफ की बात बहुत हो गई एनी प्रॉब्लम टेयर प्लीज आस्क ओरिजिनल मेंबर अ फाउंडिंग मेंबर 1945 में हालांकि हम आजाद नहीं हुए थे बट बर्ट ब्रिटिशर्स हमारा जो है झंडा जो है आगे लेके चल रहे थे एंड दे ऑन देयर बिहाफ ओके इंडिया वॉज ओके मेडिंग मेम्बर ओके दैट इज अ गुड थिंग सो ओरिजिनल मेंबर्स में से एक है इंडिया आई एम एफ का ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन में जो ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस में जो ओरिजिनल कंट्रीज थे तो आई एम एफ का फाउंडिंग मेंबर है तो फिर वर्ल्ड बैंक का भी जो है फाउंडिंग मेम्बर है क्योंकि दोनों जो है आपके ब्रिटेन वुड ट्वेन ही है ठीक है डब्ल्यू टी ओ का भी है क्योंकि वहीं पर गैट का एग्रीमेंट साइन हुआ था सो आई एम एफ सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेम्बर अगर इंडिया और आई एम एफ पे जो है क्वेश्चन आता है सो ऑलवेज ओके यू कैन यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन के इंडिया इज द फाउंडिंग मेम्बर ठीक है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो जो मैं आपको भी बताऊंगा ठीक है एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क सो दिस इज द थिंग ऑल राइट सो नाइनटीन फोर्टी फाइव से गई इंडिया फाउंडिंग और समय समय पर इंडिया ने जो है मदद भी ली आई एम एफ से ऑल राइट right. ओके okay, सबसे बड़ी मदद गई आई एम ने हमको की थी बेसिकली 1991 में जब हमारा क्राइसिस हुआ था तब वो पता है कि हमें जो है सोना बेचती की नौबत आ गई थी क्योंकि आई जो है हमें मदद इतनी कर नहीं रहा था आई अपनी शर्तें जो है कुछ लगा रहा था हम पे जो हमने लेटर ऑन मान ली ठीक है जैसे कि हमने तो कई सारे रिफॉर्म्स किए थे वो पूरी एक क्लास की जा सकती है उस पर इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएगी पूरी की पूरी तो कई सारे बच्चों रिफॉर्म्स आई ने हमारे को कराए और कई बार मदद करिए ओके नाइनटीन से पहले गई जो है के अंदर द

91 में जो है उसका क्लाइमेक्स वी यू नो वी विटनेस द क्लाइमेक्स एंड अगेन इन नाइनटी वन ऑल्सो दिल्प वी वर सफरिंग विद द विदीसिस तब इतना भी जो है विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं था कि हम जो है कुछ महीने दो महीने के हमारे जो पेट्रोलियम है ऑयल है बेसिक चीजें जो हम बाहर से मंगवाते थे दुनिया से वो हम उनका पैसा दे सकें किसी हार्ड करेंसी के अंदर ठीक है दैट टाइम गेज इंडिया ऑल्सो वेंट फॉर द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कन्वर्टेबिलिटी समझाता हूँ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है ठीक है तो जैसा कि यही है टोल डू के आई एम एफ का एक okay, काम यह भी है कि दुनिया में जो है ट्रेड और यू you नो know, तो मोबिलिटी पैसा इधर से उधर एम ए कंपनियां इधर से उधर ये सब जो है इसका विस्तार करना भी दैट इज ऑल्सो रोल ऑफ द आई एम एफ ठीक है ठीक so है एंड कैपिटल अकाउंट ठीक है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो दोनों ही जो है आई एम एफ से जुड़ी हुई बातें हैं तो आई एम एफ और गाइज डब्ल्यू डीओ ये चाहते हैं कि कंट्रीज जो है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रखें पूरी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रखें फर्क क्या होता है इसके अंदर ठीक है मैं आपको बताता हूं इंडिया में गई अभी हंड्रेड परसेंट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है ओके और हंड्रेड परसेंट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमने आई ने जब हम पे बोला हमें नाइनटी में जब बोला कि भाई

ओके okay, वहीं से निकल के आए हैं दोनों करंट अकाउंट कैपिटल जैसे कि आप बाहर जा रहे हो घूमने आप अमेरिका जा रहे हो घूमने आप यूरोप जा रहे हो आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो आप आर के पास जाओगे आप आर को बोलोगे कि आर ये दस लाख रुपए लो आप और इसके बराबर मुझे जो है आप डॉलर दे दो या पाउंड दे दो ठीक है या यूरो दे दो ठीक है क्योंकि मुझे यू नो बाहर जाना है घूमने तो आर आपको दे देगा मना नहीं करेगा आर या आप बोलोगे कोई छोटा या आप कोई बिजनेसमैन हो आप कह रहे हो छोटी मोटी कोई मुझे सामान मंगाना है बाहर से विदेश से कोई मशीन बनाना मंगानी है कोई मुझे फैक्ट्री लगानी है ये आप पकड़ो मेरे को मेरे से जो है जो भी रुपया चाहिए वो लो इसके बदले मुझे जो है फॉरेन करेंसी दे दो तो ये होता है गाइस करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कि करंट अकाउंट के जो भी लेन देन है जो भी ट्रांजेक्शन हैं उनमें हंड्रेड परसेंट आप जो है कन्वर्ट करा सकते हो इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में यानी कि हार्ड करेंसी में सो दिस इज द करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया में जो है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आप जो है करवा सकते हो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है ठीक है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है कि आप पूरी कैपिटल को जो है मूव कर सकते हो रातों रात इंडिया से बाहर जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को जैसे कि मान लीजिएगा इस बी कंपनी है ठीक है बी कंपनी जब इंडिया में आएगी तो हजारों करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए होंगे ओके ऑब्वियसली इन डॉलर देन दे कन्वर्टेड इन द रुपी देन दे इन्वेस्टेड ओके देन स्लोली स्लोली दे पम्प्ड मोर मनी ओके अभी बीएमडब्ल्यू का एम्पायर मान लीजिए ठीक है वन लाख करोड़ का है इंडिया के अंदर ऑल राइट लेट्स अज्यूम के बी एमडब्ल्यू के पास अभी जो है एक लाख करोड़ रुपये का एसेट्स है या जो भी उसका उसके बैंक में इतना पैसा है और मान लीजिए कल बीएमडब्ल्यू सोचे कि नहीं यार इंडिया में जो है मजा नहीं आ रहा गाड़ियां नहीं बिगड़ी यहाँ से चलते हैं कोई दूसरे देश में बिजनेस करेंगे और बी एम डब्ल्यू गई इस टू द आर बी आई एंड इट सेल्स कि टेक दिस वन लाख करोड़ रुपीज ऑफ योर्स और इसके बदले मेरे को मेरा डॉलर जो है वो दे दो या मेरा जो जो यूरो की करें जो भी करेंसी चाहिए वो मुझे दे दो तो यहाँ पे गई इस आर बी आई क्या करेगा आर बी आई के मना कर सकता है बिल्कुल सही बात है आर बी आई यहाँ पर मना कर सकता है बी एम को कि इतना बड़ा अमाउंट हम आपको नहीं दे सकते हैं बिकॉज़ इट कम्स इन द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी विच इज नॉट हंड्रेड परसेंट एप्लीकेबल इंडिया सो ऐसे गई जो है इकोनॉमी के अंदर जो है हम रोकते हैं उने से. अब बड़े देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज उनके पास तो वैसे इतना सारा पैसा दर्ज उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपको हंड्रेड परसेंट करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मिलेगी और हंड्रेड परसेंट आपको वहां पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी मिलेगी बट इन इंडिया वी डू नॉट है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ओके हंड्रेड परसेंट जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है हमारे पास अभी बट आई एम एफ इसमें भी दबाव बनाता है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आप जो है अब इसको करिए ऑल राइट सो दिस इज द इशू तो 1991 में आईएमएफ के कहने पे इंडिया ने 100 परसेंट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ कर दिया था सो दिस इज आल्सो यू शुड मेंशन व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इंडिया एंड आईएमएफ। तो ये गईस अगर दो चीज आपके समझ में आ गई करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो आप समझिए कि आप जो है बहुत ही होशियार हैं ठीक है सो दैट इज इट सर सारे लेक्चर्स की पीडीएफ शेयर कर दो यार थोड़ा नोट्स भी बना लो आप पीडीएफ तो शेयर कर ही देंगे नोट्स भी बनाए जा सकते हैं बट ऑल राइट right. एक कदम आगे ही रहोगे आप नोट्स बनाओगे तो पीछे तो नहीं होने वाले हो आप कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप ये पीडीएफ भेज दो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है थोड़ी तो देर आपको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में तो आप फिर टाइम आपको यूटिलाइज कहाँ होता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ओके सो ऑलवेज यू आर अहेड इफ़ यू आर मेकिंग नोट मेड जब नोट्स बनाते हो तो आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में और बेहतर तरीके से और अंदर तक घुस जाती है समझ गए आगे लास्ट स्लाइड फॉर टुडे सो इंडिया और आईएमएफ ने कई मिलकर भी जो है कई चीजें करी है सो लाइक एक्सपोर्ट से लाइक साउथ एशिया रीजनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर ओके सार्टेक सो सार्टे वी हैव फॉर्मड ओकेटेक ओके दैट इज बेसिकलीबरे एंड आई एम एफ तो सार्टेक क्या करता है गाई? जो साउथ एशिया के सारे देश हैं बांग्लादेश नेपाल इंडिया खुद भी इन सब पे जो है स्पेशल नजर रखता है ट्रेनिंग फैसिलिटीज है यहाँ पे ओके okay, ट्रेनिंग दी जाती है इकोनॉमिस्ट को कि कैसे कैसे इकोनॉमी को चलाया जाए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये ऑल राइट सो इट इज द फोकल पॉइंट फॉर प्लानिंग में मदद करता है ये ठीक है इंप्लीमेंटेशन इन द आई एम एफ कपैसिटी ठीक है ज ऑल राइट सो दिस इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिजिकल मैनेजमेंट मॉनिटरी ऑपरेशन ठीक है फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे रेगुलेट करना है तो उसमें मदद करता है ये ऑल राइट सो देंटर विल हेल्प एड्रेस एड्रेसिंग ट्रेनिंग नीड्स इन द रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ आई एम एफ तो आई एम एफ के हिसाब से जो है ट्रेन करते हुए हम इसके थ्रू इंडिया को भी फायदा मिल रहा है जितना भी साउथ एशिया है हमारा उसको फायदा मिल रहा है सात टैक के थ्रू ऑल राइट सो दिस इज दिंग यू कैन राइट एंड रिमेंबर सो दैट इज इट ठीक है आज के लिए इतना ही अब आप आपसे जो है यस सो टुडे इज लास्ट डे ओके टुडे इज लास्ट डे ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ सो यू कैन यूज माय कोड और आप जो है सब्सक्रिप्शन अपना जो है ले सकते हो आज कुछ घंटे आपके पास बचे हैं ओके सो यू कैन यूज माय कोड एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन

और गाइडेंस मिलेगी लाइफ लॉन्ग और आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा इससे आप मेरी टीम में भी रहोगे ठीक है से यूपीएससी ओके okay. आपको शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी मेरे द्वारा डायरेक्टली फॉर लाइफ नॉट फॉर जस्ट टेल योर सब्सक्रिप्शन लास्ट बट फॉर लाइफ मतलब जब आप तैयार जब तक आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की सो so, अशॉर्ट टेलीफोनिक गाइडेंस मेंटरिंग एक्स्ट्रा वेलिडेशन मटीरियल प्रॉपर गाइडेंस ओके ऑल दिस विल बी ओके विल कम विद द पैकेज ऑल राइट लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आप एक साथ इतना अमाउंट नहीं दे सकते हो आपको इस नंबर पे कॉल करना है दे विल हेल्प यू आउट बताना है आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है ओके okay, कोड बताना है सेडी यू और आपको जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपका लोन पे चालू हो जाएगा ठीक है हिंदी में मैगजीन्स भी आपके लिए आने लग गई है करंट अफेयर्स की तो आप उनको भी पढ़ सकते हो ऑल सो right. दिस so इज इट ठीक है टेलीग्राम चैनल पर गई जरूर जुड़ जाइएगा नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए सेडीएससी ऑफिशियल ओके टू स्टे इन टच विद मी बिल्कुल ऑप्शन का भी ले सकते हो ठीक है थैंक यू एवरीबडी बट एज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन कॉम्बो सबसे पहले आप तो बात है आपको किफ़ायती हो जाता है बहुत ओके कॉम्बो लेने में आपको सस्ता पड़ता है अकेले आप जीएस का लोगे और ऑप्शन तो का लोगे तो जैसे सौ रुपए का पड़ रहा है तो कॉम्बो में सेवेंटी का ही पड़ जाएगा ठीक है तो एक अपने आप ही तीस परसेंट डिस्काउंट हो गया और कॉम्बो में आप क्या है ऑप्शनल कोई सा भी पढ़ सकते हो कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं कि जोग्रफी के लिए जोग्रफी पढ़ सकते हो सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो और जीएस सब कुछ पढ़ सकते हो ठीक है सो दैट इज द थिंग डेढ़ साल या दो साल का आप सोच सकते हो ऑल राइट एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओके एनी इशूज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल राइट तो ठीक है गाइस मिलते हैं आप कल दोबारा इसी समय पे तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत टेक केयर गुड बाय सी यू